ये लीजिए चाय। के महा और सारम नहीं आए? पापा, आई थिंक महा की तबीयत खराब है। आई थिंक वो सो रही है। महा की तबीयत खराब है? तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे तो नहीं पता, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। आई डोंट नो क्या हुआ है अचानक। मैं खुद देखता हूँ। अरे रिया साहब, अरे महा, बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है? पापा, कोई परेशान होने की बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द है। दिखाओ। अरे बेटा, तुम्हें तो बुखार है। कोई बात नहीं पापा, वायरल है, सबको हो जाता है। वायरल है तभी तो परेशानी की बात है। मैं डॉक्टर अली को फोन करता हूँ, वो तुम्हें चेक करेगा। नहीं, मुझे चेकअप नहीं कराना। बेटा जरूरी है चेक करना। हाँ डॉक्टर अली, I'm sorry, मैंने सुबह सुबह तुम्हें फोन किया। वो माहा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाह रहा था हॉस्पिटल जाते हुए तुम जरा चेक कर लो। क्या जरूरत थी तुम्हें ये बात अपने पापा को बताने की? So what, mom? मैंने झूठ थोड़ी बोला है, इसमें गलत बात क्या है? गलत बात ये है कि वो पहले ही तुम्हारे पापा के बहुत ज्यादा सर पर चढ़ी हुई है। God, mama, I don't know, ये आप कैसी बातें लेके बैठ जाती है। माहा को क्या जरूरत है ऐसी हरकतें करने की, वो भी पापा की अटेंशन के लिए। तुम इस बात को कभी नहीं समझोगी। पता नहीं तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है। उसकी माँ एक बहुत ही चालाक और शातिर औरत थी, और वो अपनी माँ से भी कहीं ज्यादा चालाक है। अफसोस होता है मुझे कभी कभी कि अगर तुम अब भी नहीं समझोगी तो शायद तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। तुम देख लेना, ये डॉक्टर अली होंगे, उस लड़की को जरा सी भी छींक आती है ना तो तुम्हारे पापा ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मौसम में बुखार है, बस मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें खिलाइएगा, इंशाल्लाह शाम तक बुखार उतर जाएगा इनका। थैंक्स गॉड, मैं तो डर ही गया था। मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, खासकर वहाँ से। वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ये मेडिसिन खिलाइएगा और इंशाल्लाह मैं कल जाते हुए हॉस्पिटल फिर एक दफ़ा देख लूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे देर हो रही है। जी चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा था। थैंक यू सो मच। आइए। वैसे मामूले से बुखार के लिए इतना वावेला मचाने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, खामखा तुमने अपने पापा को परेशान कर दिया। कितनी जिम्मेदारियां हैं उन पर, बिजनेस की, घर की, तो फिर इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत थी? मामा, लेकिन मैंने तो पापा से कुछ नहीं कहा। यही तो तुम्हारा कमाल है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता तुमने कब क्या कह दिया, ख़ासतौर पर तुम्हारे पापा के लिए। बगैर कहे ही बहुत कुछ कह देती हूँ। खैर, मैं तुम्हारा नाश्ता भिजवाती हूँ, नाश्ता करके अपनी दवा खा लेना। जी। कैसे हो फारिस? हेलो जोया। हाय। यार ये माहा नजर नहीं आ रही। क्या तुम्हारी उससे बात नहीं हुई? नहीं। उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? क्यों, क्या हुआ उसे? ज्यादा डिटेल में मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन उसने इतना कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। या फिर माहा को बता क्यों नहीं देता? उसे माँ से मोहब्बत है। पता नहीं यार, ये आखिर क्या चाहता है।
तो क्या माँ ये बात जानती है कि उसके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है? नहीं, वैसे तो इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जैन ने इस किस्म की कोई बात की होगी उससे। पता नहीं यार, किस जमाने के लोग हैं, आजकल कौन इतना वेट करता है। और अगर जैन वाकई माँ के लिए सीरियस है तो उसे ये बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक अब माह भी इतनी बच्ची नहीं है, जैन उसका कितना ख्याल रखता है, उसकी जरा सी तकलीफ पर किस तरह मचल जाता है, कुछ तो एहसास होगा उसे। और मेरा ख्याल है कि जैन को तवज्जो ना देने की वजह उसका कजन सारिम है, शायद वो सारिम से मोहब्बत करती है। तो क्या ये बात माह ने खुद बताई है तुम्हें? नहीं, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से ऐसा जाहिर होता है। अरे सारिम साहब, आप उठ गए? मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ये नाश्ता जरा मैं महा बीबी को दे आऊँ। क्यों महा ने यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज? आपको नहीं पता, उनकी तो बहुत तबीयत खराब है। क्या हुआ उसे? अच्छा चलें, आप ये मुझे दीजिए, मैं ले जाता हूँ उसका। चलें ठीक है। तौबा है, बुखार ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सारे घर को नचा के रखा हुआ इस लड़की ने। अब सारिम को क्या जरूरत है इसे नाश्ता कराने की? अब तो इसका कोई ना कोई हल सोचना ही होगा। हेलो। हाँ महा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ बस वो थोड़ा सा वायरल वाला बुखार। ओ, मेडिसिन ली तुमने? डॉक्टर को चेक कराया था? हाँ हाँ, तुम रिलैक्स करो, दिखा दिया डॉक्टर को और मेडिसिन भी ली। वो तो सब ठीक है महा, लेकिन अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो ठीक है अब तुम। हाँ कर लूंगी। अच्छा सुनो जैन, वो तुमने मुझसे कहा था तुम्हें आज कुछ मुझसे बात करनी है। हाँ लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी रेस्ट करो, ये बात हम किसी और दिन कर लेंगे। बाद में क्यों, अभी बताओ क्या बात है, मैं सुन सकती हूँ। अच्छा जैन, बाद में बात करती हूँ, सारिम आए। सारिम, ये नाश्ता तुम क्यों लेकर आए हो? फजीलत बीबी कहाँ है? फजीलत बीबी नाश्ता लेकर आती तो तुम साइड पर रख देते, मुझे तुम्हें नाश्ता खिलाना भी था, और ये पूरा नाश्ता तुम खत्म करोगे। पैराडॉल ये बताएं कि पहले क्या खाएंगे? ऑरेंज। ऑरेंज, हेल्प यू सर। तुम क्या जानो महा के मैं तुम्हें अपने दिल की बात क्यों नहीं कह पाता, तुम्हारे इसी कजन सारिम की वजह से। मुझे यही लगता है कि तुम शायद उसमें इंटरेस्टेड हो। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ माहा, मगर बस एक यही चीज मुझे अपने दिल का हाल कहने से रोक देती है। ये वही लड़का है ना जो उस दिन तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आया था? हाँ, इतनी दफा तो मिले हो सारिम, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ये सोच रहा था कि इसको तुम्हारी कितनी फिक्र है। जाहिर है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। चलो अब ये नाश्ता ख़त्म करो, उसके बाद दवा भी खानी है तुम। क्या है सारिम, मैं ठीक हूँ, खा लूँगी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है मुझे। यही तो मैं इससे कह रही हूँ भाई, कि इतने से बुखार के लिए सारा घर डिस्टर्ब कर दिया। कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़ हो जाती है तो फिर क्या होगा? अरे नहीं ताजान, ऐसा क्यों होगा? खैर मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है, तुम्हारी कजन है, तुम ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा। बस मैं तो ये सोच रही थी कि इस घर में तुम्हारी एक और कजन भी है, उसका तो तुमने कभी इतना ख्याल नहीं किया जितना तुम महा का करते हो। हाँ वैसे तुम क्या, महा का तो इस घर में सभी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। एनीवेज
माहा अब ठीक है और मेरा ख्याल है नाश्ता भी अपने हाथ से खुद कर सकती है ना माहा? मीरा बेचारी कॉलेज जाने के लिए बैठी हुई, और तुम्हें तो पता है ड्राइवर आज छुट्टी पर है, अगर तुम मीरब को छोड़ाओगे तो बहुत एहसान होगा। ठीक है, मैं ड्रॉप करके आता हूँ। तुम नाश्ता करो ना, क्यों नहीं करे? जी। तंग आ गई हूँ अपने स्किन प्रॉब्लम से। पता है 2 महीने का कोर्स लिख के दिया था डॉक्टर ने, और अब तो 2.5 मंथ्स हो गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो यार तुम उस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ जिसका मैंने तुम्हें कहा था। मेरी कजन का 1 महीने में ठीक हो गया। तुम वो क्या नाम था, डॉक्टर समीर की बात कर रही हो? ऑफ कोर्स यार, उसकी बात कर रही हूँ। अगर तुम पहले ही चली जाती तुम्हारा ये मसला सॉल्व हो चुका होता। तो फिर एक काम करो, मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस टेक्स्ट कर दो, मैं कल ही चली जाती हूँ, अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था? एक्चुअली 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है तो ऑब्वियसली याद तो नहीं था, इसलिए याद था। अरे नहीं भाई, मुझे भी भूल गया था अपना बर्थडे, किसी ने याद दिलाया तो ख्याल आया कि तुम्हारा बर्थडे मुझसे पहले आता है, इसलिए मैंने सोचा ये गिफ्ट होना चाहिए थोड़ा सा। थैंक यू। माय प्लेजर। मैं सबको बुला कर लाती हूँ। केक लेकर जा रही हूँ। हाँ तो जाओ लेकर आती हूँ। माहा अब ठीक है और मेरा ख्याल है नाश्ता भी अपने हाथ से खुद कर सकती है। मीरा बेचारी कॉलेज जाने के लिए बैठी हुई, और तुम्हें तो पता है ड्राइवर आज छुट्टी पर है, अगर तुम मीरब को छोड़ाओगे तो बहुत एहसान होगा। मुझे लगता है कि ताईजान को मेरी और माँ की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है। आज भी उन्होंने इस बात का इजहार किया। क्यों, इसकी कोई वजह भी तो हो। ताईजान का मूड खराब होने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती। आज किस्म के रवैये को बचपन से बर्दाश्त कर रहा हूँ। कभी कुछ कह नहीं सका क्योंकि इस घर के मुझे बहुत से एहसानात हैं। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इस घर ने मुझे सहारा दिया, मेरी परवरिश की, मुझे तालीम दी। तो क्या एहसान किया है उन्होंने? जाहिर है तुम्हारे ताया जान हैं, तुम्हारे अब्बू के बाद उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी। ऐसी बात नहीं है, ताया जान बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे कभी भी किसी बात का एहसास नहीं होने दिया। मगर ताया जान बार बार मुझे एक ही बात का एहसास दिलाते थे, मेरी और माँ की बात तो शायद उनको बिल्कुल पसंद आए। तो तुम माँ को नहीं बताओगे कि तुम उसे पसंद करते हो? यहाँ तो ये सब कुछ चल रहा है, मैं भी देखती हूँ कि इन दोनों की शादी कैसे होती है। कम से कम मेरे जीते जी मेरी बेटी का हक कोई नहीं मार सकता। सारिम की शादी माहा से नहीं बल्कि मीरब से होगी। यार शायद माहा भी मुझे पसंद नहीं करती, वो अपनी यूनिवर्सिटी के किसी लड़के से मोहब्बत करती है शायद, जैन नाम है, दोनों साथ ही पढ़ते हैं। बताई जान को मेरी और माहा की बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं इस घर का दामाद बनूं। मेरे वालिद ने ताया जान के साथ जो कुछ भी किया शायद उनको आज तक याद है। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, और नई बात यह है कि तुम माँ से मोहब्बत करते हो और उससे इस बात का इजहार करते हुए डरते हो। और अगर उसने इनकार कर दिया तो भी कम अज कम तुम एक किनारे तो लगोगे, इस तरह कश्मकश में कब तक जिंदगी गुजारोगे?
माँ मैं तुमसे अपने दिल की बात किस तरह कहूँ, मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, ताईजान मुझे पसंद नहीं करती और बड़े पापा के एहसानात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। फिर वो तुम्हारा क्लास फेलो जैन, न जाने वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता, शायद वो तुम्हें पसंद करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। अरे बेटा तुम आज ही यूनिवर्सिटी जा रही हो? भाई एक दिन छुट्टी कर लेती, रेस्ट कर लेती थोड़ा। अरे नहीं पापा, कल पूरा दिन रेस्ट ही तो किया है और वैसे भी मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। अरे एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक दिन में तबीयत ठीक नहीं हो जाती बेटा, और वैसे भी शादी के बाद घरदारी तो करनी होती है, नौकरी थोड़ी करनी है। मैं तो वैसे भी सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाए। अब मामा आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? मैं तो सोच रही थी कि MBA ख़त्म करके पापा के साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाऊंगी, और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। हाँ भाई आखिर कब तक मैं ये सब कुछ अकेले संभालूंगा? अरे मैं तो चाहता हूँ सारे बेटा तुम भी बाहर जाने का ख्याल दिल से निकाल दो और मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, बस यूँ समझो कि तुम्हारे ताया बूढ़े हो गए हैं। ताजान मेरा तो जॉब का प्लान था। बड़े अफसोस की बात है भाई, घर का बिजनेस होते हुए तुम जॉब की सोच रहे हो। बस अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, कल से तुम मेरे ऑफिस जा रहे हो। अब तुम ठीक हो ना महा? हाँ अब तबीयत ठीक है। लुक गुड। तुमने ना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया? हाँ मेरा तो डन है। अच्छा वो तुम मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे, क्या बात है? हाँ महा दरअसल मैं काफ़ी अर्से से तुमसे एक बात करना चाह रहा था, लेकिन हर बार कुछ सोच के रुक सा जाता था। बैठो। क्यों अब बता भी दो, अब इतने तो फ्रेंक हम हैं ही कि तुम जो चाहे मुझसे शेयर कर सकते हो, कोई मसला है क्या? अरे नहीं नहीं मसला तो कोई नहीं है, लेकिन तुम इस बात को एक मसला ही समझो। वहाँ मुझे इस बात का एहसास तक ही नहीं हुआ कि मैं कब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वहाँ